हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा एंड मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट इंडो जापान रिलेशंस। इसी कंटेक्स्ट में समझेंगे जो अभी रिसेंटली डील्स हुई हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं, स्पेशली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एंड साइमल्टेनियसली वी विल डिस्कस द रीसेंट डेवलपमेंट्स बिटवीन बोथ द नेशंस। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन, बट बिफोर दैट जस्ट गो थ्रू विद अवर वीकली स्केड्यूल। जो हमारा फ्री इनिशिएटिव्स हैं यूट्यूब पे, इनको आप जरूर गो थ्रू करेंगे। करंट अफेयर सभी पंजाब के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, 10:15 हमारा लाइव सेशन रहता है, मस्ट ये आपका वॉच वीडियो रहेगा, इसे जरूर देखेंगे। देन पीसीएस एग्जाम के लिए जो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे कैन ऑल्सो गो थ्रू विद डेली करंट अफेयर सेशन। ऑलराइट, देन हमारा 10 MCQ सीरीज 2 बजे रहेगा, देन वन लाइनर ऑफ पंजाब जी के। ऑलराइट, यूट्यूब मोटिवेशन सेशंस हैं हमारे, डेली MCQs, 10 MCQs पंजाब PP SC एंड PSS SB बोर्ड के जो एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 6 बजे हमारा सेशन रहता है। इसके अलावा स्ट्रेटजी एंड प्रमोशनल वीडियोज हमारे रात 9 बजे आप देख सकते हैं। सो दीज आर मस्ट वॉच वीडियो स्टूडेंट्स, अगर आप पंजाब के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी रिसेंटली ही इंडिया एंड जापान ने बायलेटरल सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने की बात की है। स्पेशली दे हैव मेड एन एग्रीमेंट पर्टेनिंग टू द डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया भी बढ़ाना चाहता है, जापान भी इंडिया को। अगर हम जापान के नेशनल इंटरेस्ट को देखें तो इंडिया इज अ पोटेंशियल डिफेंस मार्केट। ऑलराइट, तो जापान जरूर चाहेगा अपने रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना। अगर हम इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो जापान एक टेक हब है पूरी दुनिया का, तो ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम जापान। तो इसी संदर्भ में जो है ये डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग डील हुई है। तो अभी क्या इस मीटिंग में इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की हैं, जरा उन पे आते हैं। सबसे पहला तो बोथ नेशन एग्री कि भाई नेक्स्ट 5 ईयर्स में हम तकरीबन 5 ट्रिलियन येन जो है इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा जापान सपोर्ट गति शक्ति इनिशिएटिव, जो भारत का गति शक्ति एक मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल इंफ्रा जो आपका एक इनिशिएटिव है, ठीक है ना, तो उसमें भी जापान ने अपनी सहभागिता पार्टिसिपेशन को दिखाने की बात करी है। कहा है कि भाई जापान जो है गति शक्ति जो प्रोजेक्ट है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, इसमें अपना योगदान देना चाहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी से रिलेटेड जो इंडिया की एक बहुत बड़ी नीड है उसको बढ़ाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा तकरीबन 24 जापानीज कंपनीज हैं, उन्होंने अप्लाई किया है भारत में फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, PLI स्कीम। नाउ PLI जो स्कीम है, इट इज बेसिकली टू बूस्ट द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द इंडिया। सो जापान इज आल्सो इन्वेस्टिंग इन दिस सेक्टर, ताकि भारत का जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर है, क्षेत्र है, वो भी बूस्ट करे। अदर देन दिस, मुंबई अहमदाबाद हाई प्रोजेक्ट स्पीड रेल प्रोजेक्ट में लंबे समय से जापान जो था इन्वेस्ट करने की बात कर रहा था, फाइनली इस मीटिंग में इसे भी डिस्कस किया है कि भाई जापान जो है इसमें भी इन्वेस्ट करेगा, इस मल्टी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को कंप्लीट कराने में अपना योगदान, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा। अदर देन दिस, कॉपरेशन इन द एरिया ऑफ क्लीन एनर्जी इंक्लूडिंग जो हाइड्रोजन है, आपका हाइड्रो एनर्जी है वो भी इसमें इंक्लूड है। नाउ क्लीन एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम रिसाइकल जो सोर्सेज हैं उनको, ठीक है ना, तो उसमें भी ये बहुत बड़ा एक अल्टरनेट हो सकता है इंडिया के लिए। हियर अगेन जापान इज इन्वेस्टिंग, तो इट्स एन इंपॉर्टेंट डील फॉर इंडिया। अदर देन दिस, इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फॉर्म, एक एक्ट ईस्ट फॉर्म आपका एग्रीमेंट पहले साइन किया था, जिसपे जापान ने ये कहा था कि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसकी डेवलपमेंट में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, ठीक है, हर प्रकार से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करें, जॉब जो क्रिएशन है उसकी बात करें, टेक डेवलपमेंट की बात करें, पूरे नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट करने में जो है जापान अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देगा, फाइनेंशियली भी देगा और हर प्रकार से टेक्नोलॉजी टेक सपोर्ट भी रहेगा। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट, इसको फिर से इसमें मीटिंग में डिस्कस किया गया है कि फर्दर इसमें क्या किया जा सकता है। ऑलराइट, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच हैव डिस्कस इन दिस मीटिंग। नाउ टॉक अबाउट सम रीसेंट डेवलपमेंट्स जो पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच में हुई है। देखिए, अगर मैं इंडिया और जापान की बात करूं, सो इंडिया पैसिफिक रीजन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेशन है जापान, और अगर हम काउंटर करना चाहते हैं चाइना को, अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन में एक स्टेबलाइज इसको रीजन बना के रखना चाहते हैं, मैरिटाइम सिक्योरिटी के कंटेक्स में बात कर लीजिए, ठीक है ना, ट्रेड रिलेशंस को हम अपने इनहेंस करना चाहते हैं, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी कैन कोलैबोरेट विद जापान।
सो अभी रिसेंटली जो है कुछ इंपॉर्टेंट इसमें, जैसे 14th इंडिया जापान एनुअल समिट जो अभी 2021 में हुआ, 2020 में भी अपनी सहभागिता भारत ने जताई थी। 14th जो इंडिया जापान एनुअल समिट बिटवीन द टू कंट्रीज, इसमें जो था आपके विजिट किए थे जापानीज डेलीगेशंस हैं, वो विजिट किए थे। ऑलराइट, तो इट शोज समवेयर कि हमारे रिलेशंस अच्छे बन रहे हैं जापान के साथ। इसके अलावा वर्चुअली 2020 में जापानीज जेन गार्डन केजान अकेडमी है अहमदाबाद मैनेजमेंट में, इसको वर्चुअली इनॉग्रेट किया था नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ऑलराइट, इसके अलावा सप्लाई चेन रेजिलियंट इनिशिएटिव, ये एक बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली टू प्रमोट ट्रेड कनेक्टिविटी और आइडेंटिफाई करना कि भाई किन किन एरियाज में जो है डेवलपमेंट ट्रेड किया जा सकता है और कौन कौन से रिस्क मैनेजमेंट के रिस्क वाले रीजन्स हैं इकोनॉमिक में, ठीक है, और साथ ही साथ उसको प्रॉपर मैप करना ताकि उन पे काम किया जा सके। तो ये एग्रीमेंट भी जो है सप्लाई चेन रेजिलिएंट इनिशिएटिव एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया जापान एंड ऑस्ट्रेलिया ने। ऑलराइट, सो इट्स एन इंपॉर्टेंट वन स्पेशली टू काउंटर चाइना, बिकॉज SCRI एग्रीमेंट जो है यहाँ पर इस पूरे रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का भी है कि जो जो रिस्क आपके इकोनॉमिक से रिलेटेड रिस्क मैनेजमेंट के एरियाज हैं उनको मैप करें, देन उस पर काम करना। तो यहाँ पर इन तीनों देशों की सहभागिता इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया गया है। इसके अलावा 2014 में स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंडिया एंड जापान ने साइन किया था ताकि अपने रिलेशंस को अपग्रेड कर सके, हर क्षेत्र में ग्लोबली अपने रिलेशंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाए। इसके अलावा 2011 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ठीक है ना, CEPA, ये एग्रीमेंट जो है ताकि जो आपका इट्स अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोनों देशों के बीच हुआ, भारत ने बहुत से देशों के साथ किया है, जापान के साथ भी हमने 2011 में किया, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ट्रेड को और ज्यादा बूस्ट करें, ट्रेड और कॉमर्स को जापान के साथ और ज्यादा बढ़ा सकें। देखिए, ट्रेड जो है एक बहुत फाइन अल्टरनेटिव होता है टू काउंटर इंटरनेशनल रिलेशंस में, टू काउंटर योर ओपोनेंट्स। अगर ट्रेड रिलेशंस मजबूत बनेंगे, ठीक है ना, तो रेस्ट ऑफ जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी आपके स्ट्रेंथन होते हैं। इसके अलावा डिफेंस एक्सरसाइजेस जो हैं, मालाबार डिफेंस एक्सरसाइजेस हमारी हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, ठीक है, US के साथ, उनको भी हमेशा जापान ने सपोर्ट किया है। अदर देन दिस हमारी बायलिटरल सीरीज हैं जापान के साथ, ठीक है, वो भी हम जरा बात कर लेते हैं, जिसमें जिमेक्स नेवल हमारी एक्सरसाइज होती है, शिन्याओ मैत्री एयरफोर्स एक्सरसाइज, धर्म गार्डन आर्मी हमारी बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज रहती है जापान के साथ, ये प्रीलिम्स में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो बहुत महत्वपूर्ण हमारा डिफेंस कॉपरेशन बढ़ रहा है जापान के साथ, ठीक है ना। इसके अलावा क्वाड के हम सदस्य हैं जापान के साथ, चार सदस्य हैं क्वाड के, क्वाड्रिलेटरल आपका सिक्योरिटी डायलॉग जो है, जिसमें US, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया शामिल हैं, टू मेंटेन, टू काउंटर चाइना इन द इंडो पैसिफिक रीजन एंड टू मेंटेन अ बैलेंस ऑफ पावर इन दिस होल रीजन। यहाँ पर क्वाड का महत्वपूर्ण रोल है। G20 में हम शामिल हैं, जिसमें इंडिया एंड जापान इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कॉपरेशन कर रहे हैं। देन G4, इसमें भी जो है इंडिया इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, सपोर्टेड जापान इन दिस ऑर्गेनाइजेशन टू। सो हियर वी कैन से दैट थ्रू डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स इंडिया एंड जापान आर कॉपरेटिंग। डिफेंस सेक्टर की बात करें तो लगातार पिछले कुछ सालों में बढ़ोतरी हमें देखने को मिलती है ट्रेड में भी, ठीक है, टेक डेवलपमेंट डील्स हमने बहुत सी की है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट डील्स की गई हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन को डेवलपमेंट करने के लिए बाध्य है, अपनी कमिटमेंट यहाँ जापान ने दिखाई है। इसके अलावा डिफेंस एक्सरसाइजेज जो है दोनों देशों के बीच रेगुलर होती हैं, क्योंकि जब डिफेंस एक्सरसाइजेस होंगी इस पूरे रीजन के बीच, समवेयर इट विल पुट प्रेशर ओवर चाइना, ठीक है ना, बिकॉज चाइना के साथ ना जापान के अच्छे रिलेशंस है ना इंडिया के रिलेशंस अच्छे हैं। सो ऑफ कोर्स जब नेशनल इंटरेस्ट दोनों देशों का सेम होगा, स्पेशली इन दिस रिगार्ड, सो समवेयर बोथ द नेशंस कम क्लोज। एंड अगर हम काउंटर करना चाहते हैं इंडिया को, ना जापान कभी अकेला कर पाएगा, ना इंडिया कभी अकेला कर पाएगा, हियर वी नीड टू वर्क विद जॉइंट हैंड्स। So somewhere this kind of agreements can play an important role in international relations. So I hope student अच्छे से आप इसको समझ पाए। Now talk about some way forward, क्या हो सकता है और हम बेहतर क्या कर सकते हैं इसमें। तो more collaboration and cooperation हमें करना चाहिए दोनों ही देशों को, आने वाले कुछ सालों में और बढ़ोतरी हम देख सकते हैं। हालांकि जितना जितना ज्यादा development होना चाहिए था last से decade में उतना नहीं हुआ है, ठीक है ना, स्पीड से होने चाहिए थे एग्रीमेंट्स, ये 5-6 साल पुराने एग्रीमेंट्स हैं, 10 साल पुराने एग्रीमेंट्स हैं,
स्टिल हमें जो है इन पर जो है अभी प्रॉपरली काम नहीं हुआ है। तो समवेयर नीड टू वर्क, थोड़ा फास्ट स्पीड में काम करने की जरूरत है। आने वाले कुछ सालों में और रीजन्स में भी कलेबरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, ज्वाइंट वेंचर्स के माध्यम से जापान कैन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस। देखिए जापान जो है अपनी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। तो अगर जापान जापान जो है अपना हमारे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, तो हमारे यहाँ जो इंजीनियर्स हैं, हमारे यहाँ पे जो टेक इंडस्ट्री है वो भी बूस्ट होगी, ठीक है। एनिमे इंडस्ट्री है वो भी बूस्ट होगी, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा क्लोज कॉपरेशन इज द बेस्ट मेजर टू कॉम्बैट चाइना। तो मैंने अभी कहा अगर क्लोज कॉपरेशन रहेगा तो चाइना को भी आसानी से एशिया एंड इंडो पैसिफिक रीजन में हम काउंटर कर सकते हैं, और ना सिर्फ फिजिकल लेवल पे डिजिटल स्पेस में भी हम काउंटर कर सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बोथ द नेशंस कम, दोनों मिलकर काम करें बड़ी तेजी से, ठीक है, तभी जो है हम यहाँ पर चाइना को भी काउंटर कर पाएंगे, क्योंकि दोनों ही देशों का नेशनल जो इंटरेस्ट है उसको हार्म करता है चाइना इंटरनेशनली। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, आई होप अच्छे से आप ये जो है इस पूरे टॉपिक को आप ग्रास कर पाए ना। अब थोड़ा सा जो हमारा पंजाब सक्सेस मंत्रा पे फ्री इनिशिएटिव्स हैं उन पर हम बात करते हैं। पीपीएससी कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हमारा 75 डेज का कोर्स है, आप जरूर देखें इसे यूट्यूब पे। करंट अफेयर्स हमारी सीरीज है, मैं ऑलरेडी डिस्कस किया इसे। इसके अलावा हमारे फ्री एनसीईआरटी कोर्स हैं, 50 लेक्चर्स। एनसीईआरटी को पढ़ना मस्ट होता है अगर आप एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 50 लेक्चर्स ऑलमोस्ट हैं, आप गो थ्रू कीजिए इन लेक्चर्स को। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन सेशन रहेगा हमारा यूट्यूब पे। ऑलराइट, सो दीज आर सम आर फ्री इनिशिएटिव्स व्हिच यू कैन सी ऑन यूट्यूब। अदर देन दिस हमारे कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं, उन्हें भी आप जरूर फॉलो कीजिए। 10,000+ एमसीक्यू सीरीज हमारी रहेगी, हर पंजाब के एग्जाम्स में आपकी ये मदद करेगी। तकरीबन पंजाब के हर एग्जाम में जनरल स्टडीज का पार्ट रहता है स्टूडेंट, सो इट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। एंड द फी ऑफ दिस इनिशिएटिव इज जस्ट 999। नेक्स्ट है पीसीएस बैच, हमारा 2022 का शुरू हो रहा है, सो 25,000 इसकी फीस रहेगी। आप पीसीएस की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दे कैन ऑल्सो फॉलो दिस मास्टर कोर्स फॉर ऑल पंजाब एग्जाम, 3499 इज द फी ऑफ दिस कोर्स। आप इस कोर्स को भी परचेज कर सकते हैं। अदर देन दिस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड द फी ऑफ दिस कोर्स इज 1999, सो यू कैन ऑल्सो गो थ्रू विद दिस कोर्स ऑफ आर्ट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।